Hey, dear friends, welcome back to our YouTube चैनल लर्नर्स स्क्वायर। सो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बीटा फंक्शन के बारे में, और आज हम उसी के आगे चलते हैं और पढ़ेंगे गामा फंक्शन के बारे में, और फिर सीखेंगे कि गामा फंक्शन बीटा फंक्शन का कैसे क्या रिलेशन होता है और क्या क्या चीजें इसमें है। जिसने बीटा फंक्शन नहीं देखा है वो जाके पिछली वीडियो में देख सकता है, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो चलते हैं इसके आगे, समझते हैं भाई क्या क्या है। तो स्टार्ट करते हैं, देखिए गामा फंक्शन से। ठीक है, बीटा फंक्शन तो हमने समझ लिया था कल, समझते हैं गामा फंक्शन। गामा फंक्शन तो देखो, जनरली जो गामा फंक्शन है उसे डिनोट किया जाता है, कैसे डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय, या ऐसा लिख देते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, ऐसा लिखते हैं ये। ठीक है, और यहाँ लिखते हैं एन, तो बोलते हैं इसे गामा एन। ठीक है, क्या बोलते हैं? गामा एन। कैसे रीड करते थे इसे? बोलते हैं गामा एन। ठीक है, एंड डिफाइंड बाय, एंड डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइन किया जाता है? गामा एन इक्वल्स टू होता है, ये भी एक इंटीग्रल होता है, इंटीग्रल 0 to infinity। ठीक है, और इसके बाद x^n-1 e^-x dx, इस इंटीग्रल को ही बोला जाता है क्या? गामा फंक्शन। क्या बोलते हैं? गामा फंक्शन। ठीक है, जहां पर ये जो n है, वेयर वेयर ये जो n है, n क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, n इज ग्रेटर देन 0। अब ये इंटीजर भी हो सकता है और जो है फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हुई डेफिनेशन किसकी? गामा फंक्शन की। क्लियर है? तो आते हैं इसके बारे में और भी कुछ समझते हैं भाई। देखो कुछ चीजें हैं जो हमें याद रखना है, जैसे कि इसी की प्रॉपर्टी बोल दो। ठीक है, गामा फंक्शन की ही। ठीक है, क्या बोलेंगे? प्रॉपर्टी बोलेंगे। तो क्या क्या प्रॉपर्टी है समझिए, प्रॉपर्टी ऑफ गामा फंक्शन। गामा फंक्शन तो पहली चीज, जो गामा एन होगा इसकी वैल्यू होगी 1। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सॉरी, गामा एन नहीं, गामा नहीं, गामा वन। किसकी वैल्यू? गामा वन की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 1 होगी। कैसे 1 होगी? कैसे वन होगी ये अगर हमें प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे? देखो, यहाँ से इसको अगर मान लो प्रूफ करना है तो यहाँ से हम कहेंगे क्यों वन है? कहेंगे भाई वन होता है। कैसे वन होता है? कहेंगे गामा एन की वैल्यू तो हमें पता है। क्या होती है गामा एन? ये होता है 0 to infinity x^n-1 e^-x dx, ऐसा होता है। अच्छा, ऐसा होता है तो गामा वन क्या होगा? गामा वन के लिए 0 से जाएंगे इन्फिनिटी, और किसकी जगह पे? देखो समझो भाई ध्यान से, यहाँ पे n है तो x की पावर में n है। गॉट इट? x की पावर में n है, यानी कि यहाँ पे x की पावर 1-1 हो जाएगा, गामा 1 की वैल्यू निकाल रहे, e^-x और dx हो जाएगा। और इस इंटीग्रल को अगर सॉल्व करें तो ये 0 to हो जाएगा इन्फिनिटी, x^1, 0 और 0 की वैल्यू 1, यानी कितना बचा आपके पास? e की पावर माइनस एक्स, और कितना बचा? dx। ठीक है, क्लियर है? और इसके आगे चलिए तो e^-x है, तो इसका इंटीग्रेशन -e^-x हो जाएगा, और इस पे लिमिट लग जाएगी कितनी? 0 से लेके इन्फिनिटी तक। और इसको सॉल्व करोगे भाई तो आएगा क्या? e माइनस, बाहर कर दो, e^-∞ और -e^0, है ना? e^-∞ इसकी वैल्यू तो होती 0 और इसकी वैल्यू हो गई 1, तो ये बाहर क्या बैठा है? बाहर माइनस बैठा है, तो यानी कि कुल मिला के आपको क्या वैल्यू मिलेगी? 1 मिलेगी। तो इस तरीके से ये चीज क्लियर हुआ कि जो है जो क्या होगा, गामा 1 की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, इसके आगे चलते हैं, इसके आगे चलते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकेंड जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है कि जो गामा एन प्लस 1 होता है,
गामा एन प्लस वन जो होता है ये होता है फैक्टोरियल एन के इक्वल। गामा एन प्लस वन क्या होता है, एन के फैक्टोरियल। और जहां पे ये जो एन होगा वो वन होगा, टू होगा, थ्री होगा, फोर होगा, फाइव होगा, एन सो होगा, यानी कि नेचुरल नंबर होगा कुल मिलाकर। ठीक है, गामा एन की वैल्यू क्या होती है, फैक्टोरियल एन होती है, ये बात ध्यान रखना है आपको, क्लियर है। तो गामा एन प्लस वन की वैल्यू फैक्टोरियल के फॉर्म में लिख दिया हमने, इस तरीके से काम होगा। तो अगर मान लो आपसे कोई पूछे, हाँ इस पे इसका प्रूफ नहीं करा रहा हूं, ठीक है, प्रूफ नहीं होगा, तो अगर हम यहां से देखें तो बताओ क्या लिख पाएंगे। अगर आपसे कोई पूछे गामा फाइव की वैल्यू क्या होगी, तो क्या होगी, फैक्टोरियल फोर होगी। और फैक्टोरियल फोर क्या होगी, फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, है ना, तो फोर थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व टू जा कितना होता है, 24, ये आ जाएगा आंसर। तो इस हिसाब से हम किसी भी ऐसा इंटीग्रल फॉर्म में मिलता है तो किसी भी गामा की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर है। इसके आगे चलते हैं, दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है यहीं से गामा से ही, अगर देखो यहां से देखो इसी इसी प्रॉपर्टी को लो, तो इसको हम लिख रहे हैं गामा एन प्लस वन को लिख रहे हैं फैक्टोरियल एन, और फैक्टोरियल एन को क्या लिख सकते हैं, एन इंटू गामा, सॉरी सॉरी सॉरी, एन इंटू कितना, एन माइनस वन का क्या फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकते हैं क्या। तो देखो यहाँ पे अगर एक ज्यादा है तो यहाँ पे एक कम है, भाई एन प्लस वन है तो एन है, और यहाँ पे अगर एन होता तो यहाँ एन माइनस वन होता, यानी कि इस जगह पे हम एन इंटू गामा क्या लिख सकते हैं, एन लिख सकते हैं। तो देखो यहीं से एक रिजल्ट मिल गया कि गामा एन प्लस वन जो होता है वो होता है एन गामा एन, या हम सिंपली यहां से ये लिख सकते हैं कि एन की वैल्यू गामा एन प्लस वन अपॉन एन होता है, या फिर यहां से हम लिख सकते हैं, सॉरी सॉरी, यहाँ पे गामा एन, या फिर हम लिख सकते हैं गामा एन इक्वल्स टू गामा एन प्लस वन अपॉन में क्या लिख सकते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टी है जो कि ध्यान रखना है। अब देखो यहां से एक चीज और ध्यान में रखना है कि जो गामा जीरो होता है वो इन्फिनिटी रहता है, या यूं बोलो डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है, गामा जीरो जो है डिफाइन नहीं होता। और अगर हम यहाँ से गामा माइनस एन की वैल्यू निकालते हैं नेगेटिव नंबर की, तो ये जो है इसको भी मान के चलते हैं इन्फिनिटी, ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज है। अब इसके आगे चलते हैं, इसके आगे चलते हैं एक और प्रॉपर्टी है कि गामा वन अपॉइंट टू जो होता है ये स्क्वायर रूट पाई होता है, इसको हम आगे चल के प्रूफ करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि गामा वन अपॉन टू की वैल्यू स्क्वायर रूट पाई होता है, समझेंगे, ठीक है। तो ये इतना हो गया, इसके आगे चलते हैं, इसके आगे चलेंगे तो कुछ और प्रॉपर्टी या ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं फिर, ये याद रख, ये हमें करना है ना, ये इंपॉर्टेंट है, समझेंगे आगे चल के क्या होता है। तो अगर हम चलें इसके आगे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं गामा फंक्शन के, ठीक है, गामा फंक्शन के क्या पढ़ लेते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। तो लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ गामा फंक्शन, ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ गामा फंक्शन। तो फर्स्ट जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो है गामा एन अपॉन जेड रेस टू एन, दिस इज इक्वल टू होता है इंटेग्रल जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस जेड एक्स एंड एक्स रेस टू एन माइनस वन और डी एक्स, ये होता है, ठीक है। तो ये कैसे आएगा, है ना, है तो भाई ठीक है, लेकिन आएगा कैसे, तो फटाफट प्रूफ करके देख लेते हैं कैसे प्रूफ करना है। वहीं से हम कहेंगे कि हम बहुत ज्ञानी हैं इसलिए हम जानते हैं, और क्या जानते हैं कि गामा एन इक्वल्स टू होता है इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी एंड कितना होता है भाई, एक्स रेस टू एन माइनस वन एंड ई रेस टू व्हाट, माइनस एक्स, और कितना होता है डी एक्स। अच्छा यहाँ पे ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, बस आगे पीछे करके लिखा हुआ, वो अपन एडजस्ट कर लेंगे। भाई देखो यहाँ पे जेड आ रहा है, इंटीग्रल जो है वो एक्स के रिस्पेक्ट में है, ये इतनी सारी चीजें हैं, तो कुछ सब्सिट्यूशन हम रख लेते हैं।
तो हम कहेंगे कि इसी में कुछ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखिए x की जगह पर यहां देखो x आना चाहिए था, x की जगह पे जेड एक्स है, तो x की जगह पे भाई सब्स्टिट्यूशन रख देते, कुछ मान लेते x इक्वल टू ए है और क्या है जेड है, ए जेड। अगर ऐसा है तो बताओ dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर ऐसा है तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, तो dx की वैल्यू हो जाएगी भाई ए तो ए ही है और जेड क्या हो जाएगा, dz हो जाएगा। लिमिट पे देखो कोई फर्क नहीं पड़ना, जीरो पे जीरो आएगा, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी ही आएगा। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि गामा एन जो होगा होगा इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी, इतना तो है ही सही भाई। e की पावर माइनस एक्स है, e की पावर कितना माइनस एक्स, तो e की पावर माइनस एक्स की जगह पे कितना ए जेड, तो माइनस में क्या आ जाएगा ए और जेड, क्लियर है ना, ए जेड आ जाएगा। और फिर एक्स की पावर एन माइनस वन है तो ए और जेड की पावर एन माइनस वन आ जाएगा और फिर ये ए आ जाएगा और क्या आ जाएगा डी जेड आ जाएगा। और आई थिंक इसको सॉल्व करते हैं तो इंटेग्रल जीरो टू इन्फिनिटी होगा, ई रेस टू माइनस ए जेड होगा और ये ए की पावर एन माइनस वन होगा, जेड की पावर एन माइनस वन होगा, ए होगा और डी जेड होगा। ठीक है इतना, इसके आगे चलते हैं। तो ये दिस इम्प्लाइज दैट गामा एन इक्वल्स टू, इस साइड में लिख रहा हूँ, तो गामा जेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटेग्रल जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस ए जेड, और देखो ए की पावर एन माइनस वन है और ये ए है तो माइनस वन प्लस वन हो जाएगा जीरो, यानी कि कितना बचेगा ए रेस टू एन बचेगा और जेड रेस टू कितना एन माइनस वन बचेगा और कितना बचेगा डी जेड बचेगा। अब देखो ए का तो इधर कुछ लेना देना है नहीं, ए देखो जेड के रेस्पेक्ट में इंटेग्रल है तो इसको बाहर निकाल सकते हैं और बाहर से सीधे अपॉन में भी ला सकते हैं, तो दो स्टेप एक साथ लिख देता हूँ, गामा एन अपॉन में ए रेस टू एन इक्वल्स टू लिख सकते हैं इंटेग्रल जीरो टू इन्फिनिटी और ई रेस टू माइनस जेड, सॉरी ई रेस टू माइनस जेड नहीं माइनस ए जेड, कितना ए जेड एंड जेड रेस टू एन माइनस वन और डी जेड, ऐसा हो जाएगा। अब देखो तो थोड़ा ये जो हमें प्रूफ करना था वो, और ये आई थिंक ए की जगह पे जेड आ रहा है और जेड की जगह पे एक्स आ रहा है, इतना ही चेंज, ए की जगह पे क्या है जेड की जगह पे ए, तो रिप्लेस कर दो भाई, किसको रिप्लेस कर दो, ए को जेड से रिप्लेस कर दो और जेड को एक्स से कर दो, तो यानी कि आपके पास फाइनल क्या आ जाएगा, गामा एन अपॉन में जेड रेस टू एन इक्वल्स टू इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस जेड एक्स एंड एक्स रेस टू एन माइनस एक्स एन माइनस वन एंड डी जेड। तो ये हो गई, हो गया पहला ट्रांसफॉर्म। अगर कहीं पे ऐसा लिखा है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, अगर कहीं पे ऐसा इंटेग्रल के फॉर्म में है तो आप उसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये चीजें देखेंगे। फिर इसके आगे चलते हैं, इसके आगे चलते हैं और सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन समझते हैं। सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन कहता है कि गामा एन जो होता है दिस विल इक्वल्स टू इंटेग्रल जीरो टू वन एंड लॉग वन अपॉन वाई होल रेस टू वाट एन माइनस वन एंड टी वाई। ये भाई एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ये 2001 में, 2004 में, 2007 में और ऐसे ऐसे आगे पूछा गया है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो अगर हम इसको प्रूफ करने के लिए जाते हैं तो फिर से भाई स्टार्ट तो हमारा वहीं से होगा कि हम बहुत बड़े ज्ञानी और ज्ञानी है तो हम जानते हैं कि गामा एन की वैल्यू क्या होती है, इंटेग्रल जीरो टू इन्फिनिटी और क्या होती है, हाँ, एक्स रेस टू कितना होता है एन माइनस वन, जितना यहाँ पे है उतना एक्स की पावर में वन माइनस करके, ठीक है, और ई रेस टू माइनस एक्स और डी एक्स होगा। और अगर ऐसा है तो भैया देखो यहाँ पे है लॉग और डेफिनेशन में लॉग आता नहीं, ई आता है, एक्सपोनेंशियल आता है, लॉग नहीं है,
तो और हमें ये भी पता है कि लॉग एक्सपोनेंशियल आपस में कट्टर दुश्मन है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो कुछ सब्स्टिट्यूशन करते हैं भाई। देखो 1 माइनस ये तो ठीक है, देखो ये पावर n-1, पावर n-1 ये तो ठीक है, बस यहाँ पे देखो 1/log 1/y आ गया है, समझ आया कि नहीं। एक्स की जगह पे कितना आ गया है, log 1/y आ गया। तो बस ये सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, कहेंगे कि पुटिंग व्हाट एक्स इक्वल्स टू log 1/y। अच्छा ऐसा, और अगर ऐसा है तो आप कहोगे e^x=1/y है ना, ऐसा ही तू तो log हटाओगे ये इधर बेस में। और अगर यहां से रिजल्ट निकालोगे भैया तो y की वैल्यू आ जाएगी e^-x है ना, 1/e^x होगा, ऊपर लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा, इतनी सी बात है, सिंपल सी, इतना कुछ। और अगर y की वैल्यू इतनी आई है, इतनी आई है, तो डी वाई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस, माइनस आएगा e^-x आएगा और dx आएगा, अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो यहां से हम dx की वैल्यू को भी इधर उधर भेज के निकाल सकते हैं, माइनस में e^x dy आएगा। तो ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने जाते हैं, तो देयरफॉर वी कैन राइट गामा n इज इक्वल्स टू इंटेग्रल्स, इंटेग्रल और इंटेग्रल के बाद की बात होगी। तो देखो लिमिट रखते हैं यहाँ पे, अगर x की जगह पे 0 रखोगे, अगर क्या करोगे x की जगह पे 0 रखोगे तो 1/0 यहाँ पे रखो, मेरे हिसाब से एक्स की जगह पे 0 रखोगे तो ई की पावर 0, वाई की वैल्यू 1 मिलेगी, बिल्कुल सही। एक्स की जगह पे तो माइन e^-1, यहां से वाई की वैल्यू 0 मिलेगी। तो यहां से वैल्यू मिल जाए, यहाँ पे 1 रखोगे देखो यहां से ज्यादा आसानी से मिल जाएगी, 0 रखोगे तो 1, और 1 की वैल्यू कब आती है जब पावर हम कितना कहता है 0, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, x की पावर n-1 तो इसका मतलब आ जाएगा log और 1/y^2 कितना n-1, और e^-x, e^-x की जगह पे क्या आ जाएगा, e^-x की जगह पे y आ जाएगा है ना। नहीं तो ऐसा भी तो कर सकते हैं, dx की जगह पे ये वैल्यू उधर चले जाके कर देंगे है ना। हाँ ठीक है, तो क्या आ जाएगा देखो यहाँ पे, यहाँ से देखो ना ये इतनी वैल्यू e की पावर -x और dx है, और e की पावर -x dx इक्वल टू कितना है भाई अपने पास, ये y है, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम e^-x dx इक्वल्स टू माइनस में dy। तो यहाँ पे आ गया क्या, माइनस यहाँ भेज दो और यहाँ पे क्या आ जाएगा dy आ जाएगा, और ये माइनस की साइन जब आप हटाओगे तो ये इंटीग्रल 0 से 1 हो जाएगी, और कितना आ जाएगा log 1/y^2 कितना n-1 और dy। और ये किसकी वैल्यू है, गामा एन की वैल्यू है, तो मतलब ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन भी आ गया। अब देखो भैया ये तो इसकी जगह पे ये बहुत कम ही जगह यूज होगा, आपको ये पहचान के ये लिखना रहेगा ठीक है, अगर कहीं क्वेश्चन में आता है तो है ना। ऐसे तो भाई ठीक ही है, फिर इसके आगे चलते हैं, तो आगे चलेंगे तो भैया ऊपर जाओ। हाँ आगे चलते हैं तो कुछ और भी प्रॉपर्टीज रहेंगी इसकी, और जो भी प्रॉपर्टी रहेंगी एक एक करके पढ़ते चलते। तो एक क्या करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट, आज का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं, अगला ट्रांसफॉर्मेशन ही है, या तो ऐसा बोल सकते हैं कि रिलेशन, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड
गामा फंक्शन, बीटा एंड गामा फंक्शन। तो बीटा और गामा फंक्शन में रिलेशन क्या होता है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बहुत बहुत बार ये एग्जाम में आ गया है आपके एग्जाम के लिए ना, इस पे इंपॉर्टेंट की पावर आप झमझम लगा सकते हैं, है ना, या तो इंपॉर्टेंट की पावर इन्फिनिटी लगा सकते हैं। तो ये जो रिलेशन है ना, किसमें? बीटा और गामा फंक्शन में। ये कहता है कि भाई प्रूफ करके बताओ, है ना, हमें तो प्रूफ करना रहेगा ना। तो बोलता है प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है? कि बीटा एम एन की जो वैल्यू होती है वो होती है गामा एम गामा एन होल अपॉन गामा एम प्लस एन, है ना। बहुत जगह बहुत सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व होंगे, तो ध्यान रखना है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये इतना होता है, ये इतना होता है, हाँ होता है, मैं भी बोला होता है, आप लोग भी समझो, प्रूफ करना पड़ेगा लेकिन, है ना, स्किल समझने से काम नहीं चलेगा। तो यहां से स्टार्ट करेंगे, कहां से? कहेंगे हम जानते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें गणित में मैथ्स में, बस यही है, आधे जगह चलता है क्या रिलेट, है ना, आधे जगह चलता है हम जानते। तो हम क्या जानते हैं? शायद से अभी अभी आज ही प्रूफ किया है कि गामा एन अपॉन जेड रेस टू एन इक्वल्स टू कुछ होता है, क्या होता है? इंटेग्रल 0 to infinity, अभी अभी तो प्रूफ किया था, ई रेस टू माइनस जेड एक्स होता है और एक्स रेस टू एन माइनस वन डी एक्स होता है, इतना होता है। अच्छा इतना होता है, तीन से कुछ वैल्यू निकाल लेते हैं, अगर हम गामा एन की वैल्यू निकाल गए तो इंटेग्रल 0 to infinity होगा, ई रेस टू माइनस जेड एक्स होगा और जेड की पावर एन होगा, एक्स की पावर एन माइनस वन होगा और डी एक्स होगा। देखो सिंपल सी बात है, हमने जो भी वो प्रॉपर्टी प्रूफ की थी ट्रांसफॉर्मेशन, वो ट्रांसफॉर्मेशन लिया यहाँ से गामा एन की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। देखो हमारा काम क्या है, कोई भी थ्योरम प्रूफ करने जाना है तो कुछ चीजों को ध्यान में रख लेना है ना, कुछ भी करके प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये लेके नहीं चलेंगे, ये लेके नहीं चलेंगे, इसकी जगह पे मैं ये वाली वैल्यू और इंटू ये वाली वैल्यू लेके चलूंगा, ये भाई साहब को इधर कहीं पे जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेंगे, उस हिसाब से प्रूफ करेंगे। हम गामा एम इंटू गामा एन बनाना चाहते हैं, समझ आया कि नहीं? अब गामा एम गामा एन तो ऐसा कुछ लेके चलना पड़ेगा। तो देखो यहां से मैंने एक तरीके से गामा एन की वैल्यू निकाल ली, क्या निकाल ली? गामा एन की वैल्यू निकाल ली। आप कहीं से ढूंढ ढांड के गामा एम ऐसा लाके यहाँ पे फिट करना है कि बहुत आसानी से ये हो जाए सॉल्व। तो समझ गए, ये हमारी थ्योरम का पहला पार्ट था, है ना। देखो ऐसे ही पढ़ते हैं थ्योरम को, कोई बड़ी थ्योरम है, ऐसी थ्योरम है तो उसको स्टेप्स में डिवाइड कर लो, एक स्टेप में जो काम करना है वो काम कंप्लीट करके आराम कर लो। तो गामा एन की वैल्यू हमने निकाल ली, आराम कर लिया, अब आगे चलते हैं गामा एम को ढूंढते हैं। तो गामा एम लाने के लिए देखो सिंपल सी डेफिनेशन है, गामा एन की जो दूसरी डेफिनेशन हमने डेफिनेशन पढ़ी वो क्या पढ़ी? 0 से होता है इन्फिनिटी और क्या होता है? और होता है एक्स रेस टू एन माइनस वन ई रेस टू माइनस एक्स डी एक्स। अब कहीं से ऐसा कुछ लेके आ जाए, देखो गामा एन तो आ गया है, एन की जगह पे यहाँ पे मैं एम लिख दू, यहाँ पे भी एम लिख दू, ऐसा कुछ बन जाए, ऐसा कुछ लेके आ जाए इंटीग्रल के अंदर। और भैया गामा एम इंटू गामा एन है तो दो दो इंटीग्रल आना चाहिए। तो चलो कोशिश करते हैं आगे इंटीग्रल बनाने की, इम्प्लाइज का सिंबल लगा दिया और यहाँ पे ऊपर लिख दिया कि हम करने जा रहे हैं मल्टीप्लाई। काहे से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं? तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय बाय, अभी यहाँ पे जो बताया आपको, यहाँ पे जो बताया ऐसा ही कुछ, क्या कहेंगे? जेड की पावर एम लाना है ना, तो जेड की पावर एम माइनस वन इंटू ई टू ई टू दी पावर माइनस जेड से देन।
देन वी हैव, क्या होगा हमारे पास बताओ, इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो जेड रेस टू एन माइनस वन आया, ई रेस टू माइनस जेड आया, गामा एन था, और इधर इंटीग्रल जीरो टू इंफिनिटी आया, ई रेस टू माइनस जेड एक्स आया, जेड रेस टू एन है, एक्स की पावर एन माइनस वन है, डी एक्स है, इसका मल्टीप्लाई कर दिया जेड रेस टू एन माइनस वन और ई रेस टू माइनस जेड से। ठीक है, ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना, गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आगे, अभी कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी है, तो इंटीग्रल लगा देते हैं। तो हमने कहा गामा एन भाई साहब को अलग कर दो और इधर इंटीग्रल लगा दो जीरो से इंफिनिटी, और लिख दो जेड रेस टू माइनस वन ई रेस टू माइनस जेड और डी जेड। सेम काम ना, सेम का सेम काम राइट साइड में भी कर दो। तो राइट साइड में लगाया इंटीग्रल जीरो टू इंफिनिटी और यहां से ढूंढ के लाए एक्स रेस टू एन माइनस वन, तो लिख दिया एक्स रेस टू एन माइनस वन। फिर अंदर एक यूज कर लिया ब्रैकेट, ध्यान से समझना ई वाली स्टेप है ना, यहाँ पे लिखा ई की पावर, ई की पावर, ई की पावर और ई की पावर, तो ई की पावर माइनस दोनों में है कॉमन कर लिया, जेड दोनों में है तो जेड को भी कॉमन कर लिया, यहां से बचा एक्स, यहां से बचा वन। क्लियर है ना भाई, क्लियर है, बिल्कुल सही बात है। फिर आगे लिखा जेड की पावर क्या होगी, तो यहाँ पे जेड की पावर है एन, भाई यहाँ पे कहीं पे तो एम आना चाहिए ना, यहाँ एम माइनस वन करेंगे ना, एम तभी तो एम आएगा, तो यहाँ पे भी एम माइनस एन करो, तो जेड की पावर देखो यहाँ पे एन है, यहाँ पे तो एन प्लस एम माइनस वन आया, यहाँ पे लगा दिया डी जेड, और ये जो इंटीग्रल लगाया था वो जेड के लिए लगाया था, तो यहाँ पे एक इंटीग्रल लगाया जीरो से लेके इन्फिनिटी तक, और इसको बंद किया बॉक्स में, और भैया ई जोन डी एक्स रहा ई का लगा दिया बाहर, और हमारा काम हो गया। ये जो वैल्यू है ये वैल्यू बनी गामा एन, तो है ही सही, ये वैल्यू बन गई, देखो यहाँ पे एम है भाई, एम है, क्या है, एम है, तो ये बन गई गामा एम, गामा एन इंटू गामा एम। राइट साइड में देखो, राइट साइड में देखोगे तो समझ में आएगा भाई। तो राइट साइड में हमने देखा तो हमें समझ में ये आया कि ये तो लिखा हुआ है जीरो टू इंफिनिटी, ये तो लिखा हुआ है जेड एक्स की पावर एन माइनस वन, इतना भी सही है, इतना भी सही है, तो अब क्या बचा, अब क्या बचा बताओ, ई रेस टू है, ये सब सारी चीजें हैं, यहां से क्या कर सकते हैं बताओ, कुछ ऐसा हो जाए कि अपना काम बन जाए। तो याद करो कुछ पढ़ा है हमने ऐसा कि इंटेग्रल हो जीरो टू इंफिनिटी और जेड की पावर में कुछ वैल्यू हो और ई की पावर में चल, और उसको हम आसानी से यूज कर पाए। जल्दी 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 सोचो, कुछ तो पढ़ा है हमने ऐसा, पढ़ा है क्या कुछ ऐसा, जेड की पावर में हो और ऐसा ऐसा, अभी शायद अभी कहीं लिखा था, अभी कहीं लिखा था है ना, देखो 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 ये वाली वैल्यू को यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो, तो माइनस में जेड है, एक्स प्लस वन है, एक्स की पावर एन, मतलब जो काम वहां पे एक्स कर रहा है वो यहाँ पे जेड कर रहा है, यहाँ जो जेड का काम है वो यहाँ पे एक्स का काम है, देखो ना ये जेड है, ये जेड है, तो यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, सेम सेम है, यहाँ पे जेड है, यहाँ पे जेड है, सेम सेम है, तो मतलब एक्स का काम यहाँ पे जेड कर रहा है, तो ये जो जेड है उसका काम वन प्लस एक्स कर रहा है ना, ऐसा ही है ना, तो क्या था गामा एन और जेड प्लस एन, जेड की पावर एन, ऐसा ही आता है ना, तो अगर ऐसा ही आता है तो यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे है गामा एन प्लस एम, यहाँ पे था एन तो गामा बना था एन, यहाँ पे था जेड तो गामा बना था जेड की पावर एन, तो यहाँ पे एन प्लस एम तो गामा बनेगा एन प्लस एम,
यहाँ पे है एक्स प्लस वन, तो पावर किसका किसका आएगा, एक्स प्लस वन का। बहुत सही। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं गामा एम प्लस एन पूरे के अपॉन में कितना जाएगा, वन प्लस एक्स रेस टू एम प्लस एन और आएगा डी एक्स। बहुत सही, ठीक है। और यहाँ से इसकी वैल्यू को, ये जो गामा मामा है ये सबको बाहर निकालो, तो गामा एम प्लस एन बाहर, इंटीग्रल 0 to infinity एक्स रेस टू एन एन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन और आया डी एक्स। तो कल का लेक्चर याद करो, है ना, इसको इधर भेज दो, इधर गामा एम है इंटू गामा एन है, तो क्या आ जाएगा, गामा एम इंटू गामा एन अपॉन में गामा एम प्लस एन, दिस इज इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू, कल का लेक्चर याद करोगे तो आएगा बीटा एम एन। तो यही हमें प्रूफ करके बताना था और हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, घटा हुआ होना चाहिए, याद रहना चाहिए, कैसे भी करो घटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो बस ये प्रूफ हो गया है, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो भाई तो लाइक कमेंट शेयर, दोस्तों को सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, है ना। ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिलने वाले हैं और अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके जो 7th, 8th, 9th, 10th, 11th और 12th जैसा टाइम मिलेगा उस हिसाब से वीडियो बना दूंगा मैं, और कॉलेज के तो अभी आएंगे ही सही सही। वैसे तो कोशिश कर रहा हूँ मैं मेनली कि 10th का जो बोर्ड एग्जाम होता है उसके चैप्टर सारे सीक्वेंस वाले वन शॉर्ट में कंप्लीट करके आपको दे दूँ। बेसिकली जो फोकस रहेगा उसमें MCQ पे रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।